सर ने कहा है कि आपके पास अगर कुछ कामयाबी मिले तो उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3.7 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। कैसा लगा रेडियो सॉन्ग देख के वहाँ पे? अच्छा, आपने ये सॉन्ग सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से शूट किया गया है। एंड करण भाई जो भी सॉन्ग बनाते हैं बहुत ही डेडिकेशन और बहुत मेहनत करते हैं वो, और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। एंड सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप स्कूल लाइफ, मतलब जो पढ़ाई एंड एक्टिंग को कैसे मैनेज करते हो? काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा, वर्कआउट भी कर रहे हो और आपका जो दिन है वो काफ़ी बिजी रहता है, तो किस तरह से मैनेज करते हो स्टडी को? सी, डिफिकल्ट तो बहुत है क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई और अपनी एक्टिंग नहीं मैनेज करता, मैं अपनी फिटनेस, अपनी जिमनास्टिक्स को भी मैनेज करता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया को भी अब मैनेज करता हूँ। सो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती है, बट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। कभी कभार मैं खुद ऐसे परेशान हो जाता हूँ कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ मैं आज, फोटोज़ नहीं डालने के लिए, या फिर आज मैं जिम नहीं जा पा रहा है, मेरी बॉडी वीक हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी डाइट भी डिस्टर्ब हो जाती है कभी अगर आप डे नाइट शूट कर रहे हो, डे नाइट।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए अभी।